हे गाइस, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मैं हूं नैना और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा स्ट्रक्चर, डैट इज़ एरे। इसको बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी लैंग्वेज, और इसके अलावा स्टैक और क्यू जैसे डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एरे का यूज़ किया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी, और प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एरे। Array is a data structure which can be defined as a finite order set of homogeneous element. अब इसको break करके समझते हैं कि यहाँ पे देखो finite का क्या meaning है, array क्या है, एक finite data structure है, इसका क्या meaning है कि जो number of elements हम यहाँ पे array के अंदर store करने के लिए use करते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे fixed होंगे। यानी कि हम पहले से ही define कर देंगे कि array के अंदर हम कितने number of elements use कर रहे हैं। Suppose करो मैंने पहले decide कर लिया कि मुझे 5 elements use करने हैं, तो मुझे पहले से define करना पड़ेगा कि number of element will be 5। तो यहां पे फाइनाइट क्या है, मतलब कि फिक्स्ड एलिमेंट, फिक्स्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट का यहां पे क्या मीनिंग है, हर एक एलिमेंट एक सीक्वेंस में ही आएगा और हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक नंबर यानी कि एक इंडेक्स से डिनोट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट आया तो उसको कौन सी पोजीशन मिलेगी, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। ये क्या है, ऑर्डर्ड सेट, यानी कि हर एक एलिमेंट किस में अरेंज होगा, एक सीक्वेंस में अरेंज होगा। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी टाइप क्या होगी, सेम टाइप होगी। जैसे कि अगर इंटीजर एलिमेंट है तो सारे के सारे एलिमेंट एरे के अंदर, उस एरे के अंदर जो हमने इनिशियली डिफाइन किया कि इतने एलिमेंट होने चाहिए, उस एरे के अंदर सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए और फ्लोट होने चाहिए, या फिर सारे के सारे एलिमेंट करैक्टर टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप आधे एलिमेंट इंटीजर ले लो और आधे एलिमेंट आप फ्लोट ले लो, या फिर उसके अंदर ही करैक्टर को मिक्स कर दो, ऐसा नहीं है। होमोजीनियस एलिमेंट होने चाहिए यानी कि सेम टाइप होनी चाहिए उसकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे स्टोर होंगे, कॉन्टिग्यूस मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। यहाँ पे कॉन्टिग्यूस का क्या मीनिंग है, यानी कि हमारे एलिमेंट जो होंगे वो साथ में ही मेमोरी लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट किसी और लोकेशन पे है और एक एलिमेंट किसी और लोकेशन पे है, जो इनकी मेमोरी की सीक्वेंस भी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल साथ होगी, कॉन्टिग्यूस होगी। पहले एक एलिमेंट, उसके साथ वाला जो एलिमेंट होगा वो उसके साथ होगा, देन थर्ड, फिर देन फोर्थ एंड सो ऑन। इसको कॉन्टिग्यूस मेमोरी में स्टोर किया जाता है इसके एलिमेंट्स को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का क्या मीनिंग है कि अगर हमारे 10 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर और हमने फोर्थ वन को एक्सेस करना है, तो हमें जो 3 एलिमेंट उससे पहले हैं उसको 1 by 1 क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। अब एरे को एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे कि आप एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी में होस्ट क्या करता है, एक गेम आपको खिलवाता है, उसमें नंबर ऑफ जो पर्सन है, नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है वो क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। जैसे कि सपोज करो उसने 5 पार्टिसिपेंट फिक्स कर दिए, ठीक है, और उसने ये भी डिसाइड किया कि यहाँ पे या तो इस गेम को फीमेल ही खेल सकती हैं या फिर मेल ही खेल सकते हैं। तो हो गया ना, अरे यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है और यहाँ पे जो टाइप है वो क्या है, या तो फीमेल खेल सकते हैं या फिर मेल खेल सकती है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्टिसिपेंट आता है वो क्या ले लेगा, अपनी एक फर्स्ट पोजीशन और उसको एक नंबर दे दिया जाएगा। सेकंड पार्टिसिपेंट आता है उसको सेकंड नंबर, थर्ड पार्टिसिपेंट आता है उसको थर्ड, एंड फोर एंड फिफ्थ पार्टिसिपेंट आता है उसको 5 नंबर दे दिया जाता है। लेकिन अगर 6th पार्टिसिपेंट आता है, वो कहते हैं भाई मैंने भी खेलना है, तो उसको अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पे क्या थे, फिक्स थे। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ कि फीमेल ही हो सकती है इस गेम के अंदर, तो यहाँ पे मेल अलाउड नहीं है, वो 5 के 5 फीमेल ही खेल सकती हैं वो गेम को। ये एरे की डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे
फिक्स होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको क्या लगी। अब एरे को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम एरे का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एरे को। यहाँ पे जो मैंने एरे लिया है वो ले लिया इंटीजर टाइप का, और एरे का जो नेम लिया है वो है ए, और उसकी जो लेंथ है उसका जो साइज है वो मैंने यहाँ पे ले लिया 5। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एरे का नेम। ए क्या है, एरे नेम, और ये क्या है, हमारे एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पे देखो मैंने सी और सी प्लस प्लस का सिंटेक्स लिया है एरे का। हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग सिंटेक्स होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहां पे देखो मैंने एरे की 5 लोकेशन बना दी मेमोरी के अंदर। इसको एक सीक्वेंस दे देंगे हम, जैसे कि फर्स्ट जो लोकेशन है उसको मैंने 1 दे दिया, सेकेंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4 एंड फिफ्थ 1 को 5 दे दिया। सी और सी प्लस प्लस के अंदर एरे को हमेशा 0 से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एरे को 1 से स्टार्ट किया है। यहाँ पे कई बुक्स में आपको 0 भी मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं आपके पास, और यहाँ पे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। यहाँ पे 6 एलिमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे कि अब आपको पता है यहाँ पे हमने 5 के 5 एलिमेंट का नाम क्या ले लिया, ए ले लिया। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डिफरेंट नेम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट को एक अलग ही नेम मिलेगा, लेकिन उनकी पोजीशन का कैसे पता चलेगा, उसके इंडेक्स नंबर से। ये क्या है, उसके इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ए 1 से। अगर हम सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ए 2 से। यहाँ पे अगर ए 3 आ गया मतलब कि थर्ड एलिमेंट, ए 4 आ गया मतलब कि फोर्थ एलिमेंट, और अगर ए 5 आ गया तो यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट। अगर हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना है, मतलब कि ए 1 के अंदर करना है, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, ए इक्वल टू, ए 1 इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी मार्क्स हमने एंटर कर दिए किसी स्टूडेंट के 40, यहाँ पे अगर मैंने मार्क्स एंटर कर दिए 50, यहाँ पे 55, 35, 42, ये मैंने सपोज करो स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर दिए, तो इसको ए 1 में हम पुट कर देते हैं वैल्यू 40, सेकेंड पोजिशन पे 50, 55, 35, 42। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो हर एक एलिमेंट है वो कैसे उसकी पोजीशन का पता चलता है, उसके इंडेक्स नंबर से। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, ये मेमोरी एड्रेसेस नहीं है, एड्रेसेस इनको अलग मिलेंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि हर एक एलिमेंट को मेमोरी के अंदर जब वो डिफाइन हो जाता है उसको एक स्पेस मिलता है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता है जो एरे है वो क्या है, कॉन्टिग्यूस मेमोरी है। सपोज करो जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे एड्रेस दे दिया 1000। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो हमारा एक एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया, ये मशीन डिपेंडेंट होता है कि उसको कितना साइज मिलेगा। अगर तो वो 1 byte है तो एड्रेस भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, और अगर ये 2 byte है, सपोज करो कि इंटीजर को मैं 2 byte लेके चलती हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 2 bytes ले रहा है इंटीजर में, तो फर्स्ट एलिमेंट को क्या मिल गया, यहाँ पे ये एड्रेस मिल गया। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है उसको 2 byte छोड़ के ही नेक्स्ट एड्रेस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कॉन्टिग्यूस मेमोरी है, तो हमें एक सिक्वेंस में ही एड्रेस देने हैं इसको। 2 byte छोड़ के हम इसको एड्रेस दे देंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट एड्रेस, फिर नेक्स्ट 2 byte छोड़ के, और फिर नेक्स्ट, फिर 2 byte छोड़ के इसको एड्रेस दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, 5 एलिमेंट्स की मेमोरी होगी, जो क्या होगी, कॉन्टिग्यूस मेमोरी होगी। ठीक है, ये तो होगी कि मेमोरी में वो कैसे एलिमेंट्स हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी एक पोजीशन डिफाइन होती है, ये कॉन्टिग्यूस मेमोरी लेते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हमें ये देखना है कि हमें
जो लेंथ निकालनी है एरे की वो कैसे निकालनी है, सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारा जो ये जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है जिस इंडेक्स से उसको बोलेंगे हम लोअर बाउंड, और जो हमारा इंडेक्स लास्ट एलिमेंट का उसको क्या बोलेंगे अपर बाउंड। तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने या फिर साइज ऑफ एरे निकालने तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, साइज ऑफ एरे या फिर लेंथ ऑफ एरे, राइट। तो यहाँ पे हमारा अपर बाउंड क्या है 5, माइनस लोअर बाउंड हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या आ गए 5। इसके अलावा अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो अपर बाउंड हमारे पास क्या है 4, माइनस लोअर बाउंड हमारे पास क्या है 0, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1 से स्टार्ट हो रहा है या 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे एक जनरल मैंने एरे को लेके चला है, मैंने 1 से स्टार्ट करके आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो ये था सारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एरे, इसके बाद हम और डिटेल में एरे को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। थैंक यू।